बसमिल्लाम आज खैबर पुख्तनख्वा के शहर बनू में अमन के हवाले से अमन के मुतालबे के लिए अवमी इजमद हुआ जिसमें बहुत बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत थी यह इज्तम समाजी तनजीमों ताजरी और दीगर सियासी जमातों की तरफ से एक मुशतरका अवमी इज्तम था पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ हर शख्स को पुरामन एहत करने की इजाजत है उसका आइनी और कानूनी हक है और हम समझते हैं कि बनों के अवाम को भी अमन के मुतालबे के लिए मुकम्मल हक हासिल है कि वो आवाज़ उठाएं इस सिलसिले में इज्तम मुनद करें और अपना मुतालबा अरबाबी इख्तियार तक पहुंचाएं आ, लेकिन अमन के इस हक के साथ साथ किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती इसमें बदकस्मती से कुछ नाखुशगवार वाकत रोनमा हुए और बाद में हालात कशीदा हो गए जिसके नतीजे में फायरिंग भी हुई जिससे कुछ लोग जां बहक हुए और कुछ लोग जख्मी हुए हैं वजीर अली खैबर पुख्तनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने इन तमाम वाकयात का फौरी तौर पर नोटिस लिया और जिले इंतजामिया को इस सिलसिले में इकदाम करने की हिदायत की डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर और दीगर सरकारी एहलकार और जिम्मेदारान ने आ, इजतमा के मुंतजीन और समाजी सियासी रहनुमाओं से बातचीत का आगाज कर दिया है और हालात को कंट्रोल पैला चुके हैं इस वक्त वहाँ पर मामला को कंट्रोल में ले लिया गया है हालात संभल चुके हैं और आमायदीन के साथ रहनुमाओं के साथ जिरगा भी हो रहा है जिसके जिसका मकसद अमन अमान की सूरत हाल को यकी बनाना है इस सिलसिले में वज़ी अला ने हिदायत दी है कि इस वाक़े की तहकीक कराई जाएं साफ और शफाफ तहकीक़त कराई जाएं और जो भी इस वाक़े में बदमनी का या गैर कानूनी इकदाम का मरतकब हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और मुलजमान को और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको करार वाकई सज़ा भी दी जाए कानूनी इकदाम के साथ साथ जो जख़्मी हैं और जो जहाँ बहाक हुए हैं उन अफराद के लिए मुआवजा कंपनसेशन भी उसका भी ऐलान कर दिया गया है आ, इस सिलसिले में बाकी तफसल इनशाला जल्द आवाम के सामने लाई जाएंगी लेकिन आ, इस मौके की वसात से मैं अवाम से ये अपील करता हूँ कि वो प्रमन रहें किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा ना बने जो कुछ भी हुआ इंतहाई अफसोसनाक है इनशाला इस अफसोसनाक वाक़े के जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा और हर सूरत में कोशिश की जाएगी मुल्क में और ख़ास तौर पर बनु शहर में अमन वमान का क्याम यकीनी बनाया जाए और आवाम को तहफ़ फराहम किया जाए बनू शहर एक हसास शहर है वहाँ गुज्त दिनों दहशत गर्दी का एक वाक़ा भी हुआ हो चुका है जिसके नतीजे में फिजा में काफ़ी तनाव है और एक परेशानी है लेकिन इस तमाम वाकआत के बावजूद मुझे मैं आवाम से अपील करता हूँ और आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पुरमन रहें कंट्रोल रखें और नजर रखें उन तमाम अवामिल पर और उन तमाम अनासर पर जो बदमनी फैलाने की ख्वाहिश रखते हैं अमन हम सब की जरूरत है और अमन में ही हम सब की बका है